हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धीरू ब्लॉगर्स से। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मैं अभी राजभवन के अंदर खड़ा हूं और यहां का पूरा आपको व्यू दिखाने वाला हूं। ये पूरे जो राजभवन का बागान जो है वो पूरे 52 एकड़ में फैला हुआ है, तो यहां का पूरा व्यूज मैं दिखाऊँगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ का जो ब्लॉग होने वाला है ये यहाँ पर सिर्फ फूलों का है बागान लगा हुआ है। 100 से भी ज़्यादा वेराइटीज के फूल हैं यहाँ पे और 55 से ज़्यादा वेराइटीज के गुलाब लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ दिखाऊंगा। और मैं ब्लॉग स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि यहाँ जो ये राजभवन है वो क्यों यहाँ पर क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ, तब तक आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे झारखंड के बहुत सारे कार्य होते हैं। यहाँ जो झारखंड के राज्यपाल हैं हमारे रमेश बैस जी अभी यहाँ पे हैं, तो और यहाँ पे जितने भी सारे कार्य होते हैं, मीटिंग होते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं यहाँ पे ये राजभवन में। और हम लोगों के लिए, हम आमजनों के लिए फरवरी मंथ में यहाँ पर खुलता है, 1 से 16 फरवरी तक आप कभी भी आ सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ कार्य चल रहे हैं और हम आम आदमियों के लिए अभी यहाँ पे खुला हुआ है, घूमने के लिए अच्छा मौका है। तो 27 तारीख तक यहाँ पे आ सकते हैं आप सब, अभी 2 दिन बचा हुआ है। तो आइए और आप लोग यहाँ का लुत्फ़ उठाइए। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे औषधि के पेड़ लगे हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। जैसे लौंग, इलायची वगैरह का भी पौधा लगा हुआ है यहाँ पर, रुद्राक्ष का लगा हुआ है, वो भी मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। और बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, 1500 से ज़्यादा टाइप के फूल हैं। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा यहाँ का ब्लॉग। तो आप वीडियो के एंड तक यहाँ के वाटर म्यूकल फवारे लगे हुए हैं, देखिए ये है फर्स्ट नंबर, और आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगा। दिखाता हूँ यहाँ कितने लोग आए हुए हैं अभी पे, देख सकते हैं यहाँ का जो भीड़, कितना सारा भीड़ उमड़ा हुआ है यहाँ पे। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए जब भी यहाँ ओपन होता है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। फूलों, झानो, उगान इधर देख सकते हैं। यहाँ का देख सकते हैं म्यूजिकल फवारे, हम पर्यटकों के लिए यहाँ ये सब देखने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। म्यूजिकल फवारे वगैरह आपको अन्य जगहों पे देखने के लिए ये सब नहीं मिलेंगे, तो आप लोग मौका नहीं गंवाएं। आपको यहाँ सभी वेराइटीज़ के गुलाब मिल जाएंगे, जितने भी प्रकार के गुलाब होते हैं वो यहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे।
केवल गुलाबों की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सब अलग अलग किस्म के गुलाब हैं यहाँ पे। कितने अच्छे लग रहे हैं देख सकते हैं, सामने से आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं सारा डिजाइनिंग के लिए अलग अलग का पौधा दिख रहा होगा आप लोगों को। ये पता नहीं बिल्कुल अलग सा लग रहा है कुछ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे औषधि के पौधे भी हैं और पेड़ भी हैं, तो शायद पहचान में नहीं आ रहा है ये सब। ये देख सकते हैं पूरे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। इधर मूर्ति गार्डन, अभी इसके अंदर जा रहा हूँ। ये देखिए ये है राजभवन, इसी के अंदर सारे मीटिंग वगैरह होता है, और हमारे राज्यपाल साहब जी यहीं पे सारे मीटिंग करते हैं, और कोई भी हमारे गवर्नर के थ्रू जो यहाँ पे कार्य होते हैं वो यहीं पे होते हैं, इसी भवन में होते हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं ये लोग, आप लोग बताइए भैया लोग कि कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ आकर इस तरह का मौसम में यहाँ घूमने का मौसम। आज का मौसम या क्या बोला, आज का मौसम ऐसा है ना कि घूमने में बहुत, आज का मौसम जो है बहुत ही अच्छा है, सुहाना है, आज धूप नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत भीड़ है और सबसे ज्यादा और सुहाना लोग भी, तो चलते हैं और भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये देख सकते हैं कितना अच्छा से सजाया गया है सभी गमलों में, ये अलग प्रकार के कोई पौधे हैं। और ये देख सकते हैं बिल्कुल अलग ही फ्लावर लग रहा है ये। इस फ्लावर को मैंने रेड कलर में देखा है लेकिन येलो कलर का है, देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल अलग प्रकार का लग रहा है देखने में। आप लोग अभी इस पौधे का नाम जान रहे होंगे ये फ्लावर का, तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इधर देख सकते हैं ये सब म्यूजिकल फवारे हैं यहाँ पे, जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, शायद उधर अभी खुला हुआ था, किसी चीज़ का प्रॉब्लम होगा इसीलिए यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। देखिए ये सब फवारे देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है जब यहाँ पे चलता है तो, और बहुत ही अच्छा दर्शनीय जगह बना देता है हम सब पर्यटकों के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कलर के मछली, वाइट कलर और रेड कलर का मछली दिख रहा हूँ। हेलो, सिल्वर कलर वाला और गोल्डन भी है, रेड कलर का मछलियाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा हरा भरा पेड़ पौधा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इधर केवल अमरूद का पेड़ यहाँ पे दिख रहा है।
यहाँ पे देख सकते हैं पानी का भी सुविधा है। चलो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये फ्लावर। देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स, काफ़ी अलग फ्लावर्स हैं ये सब। कितना सुंदर लग रहा है। काफ़ी अलग फ्लावर्स हैं सब। ये सब फ्लावर्स मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत ही अच्छा अच्छा जगह है यहाँ पे पिक लेने के लिए। देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो लेते नज़र आ रहे होंगे आपको वीडियो में। इधर झूला लगे हुए हैं। दोस्तों यदि आप लोग यहां से ज़्यादा फ्लावर्स कहीं यहां से ज़्यादा वैरायटीज के फ्लावर्स अगर कहीं देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको। यहां के अलावा देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं यहां पे। झूले में आनंद लेते हुए लोग। दोस्तों क्या ये फूल का नाम बता सकते हैं आप लोग? देखिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कितना अच्छा लग रहा है देख सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आपको यहाँ के अलावा और झारखंड में शायद ही कहीं देखने को मिलेंगे इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स। इधर केवल गुलाब ही गुलाब दिख रहा है। सब अलग अलग वैरायटीज के गुलाब हैं। यही सब नए नए वैरायटीज का गुलाब देखने के लिए और भी अलग अलग वैरायटीज के फूल देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। और काफ़ी सारे लोग आप लोगों को दिख रहे होंगे। सभी लोग रंग बिरंगे फूलों के साथ सेल्फी क्लिक करवाते हुए। Yeah.
यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, झूला लगा हुआ है इधर, और बच्चों लोगों को खेलने के लिए इधर बनाया हुआ है। इधर मेरे दोस्त झूला झूलते हुए, बैठो मनी बैठो, अच्छा से बैठो। धीरे धीरे ये देख सकते हैं इधर चरखा, ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। ये आगे का पोर्शन है, ये गोल्डन कलर का फ्लावर्स देख सकते हैं, काफी रोचक लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ से पानी निकल रहा है झरने के टाइप में, कितना अच्छा लग रहा है। इधर का एग्जिट गेट है, इधर से सारे लोग निकल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ अब टाइमिंग हो चुका है, तो अब मैं जा रहा हूँ एग्जिट गेट की ओर से बाहर की ओर। तो यदि आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो यहाँ का, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, और ज़्यादा फैलाइए मेरा वीडियो को।